अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक से दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको चॉकलेट थ्री मिल्क केक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। बेस भी चॉकलेट का होगा, उसका क्रीम भी चॉकलेट का होगा, उफ मज़ेदार सा, ट्राई ज़रूर करिएगा। और सोकिंग लिक्विड भी चॉकलेट का होगा। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे चिकन मेट्रोपोल, जिसके लिए हमने सॉसेजेस लिए हैं, चिकन है, और इसमें हम अंदर पार्सली डालेंगे, चीज़ डालेंगे, उसके रोल्स बनाएंगे, फिर मशरूम का वाइट सॉस बनेगा और मैश पोटैटोस के साथ उसको हम सर्व करेंगे, ठीक है जी। इट वाज अ वेरी फेमस रेसिपी जो मेट्रोपोल होटल में बनती थी जब हमारे यहाँ शादियाँ होती थी। हमेशा मेट्रोपोल में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते थे, तो हम लोग वो वाली रेसिपी को लुक फॉरवर्ड करते थे, एंजॉय करते थे। सो दिस इज़ अ रिक्रिएशन ऑफ दैट रेसिपी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारा काम आज का है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की ऑफ द शो लास्ट नाइट, जो मैंने किया था वो द एक्लेयर्स। लोग समझ रहे थे कि उसमें मैं क्रीम भरूंगी वही सेम, मगर नहीं, मैंने उसमें चिकन का पेस्ट और अंडे का पेस्ट भरा था। और आपको मैंने स्टार्टिंग से स्क्रैच से शू पेस्ट्री कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया था। इसी पेस्ट्री को गोल बनाएंगे तो प्रॉफिटो रोल्स बन जाएंगे, क्रीम पफ बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप भी ट्राई करिएगा जो भी शेप में आपको बनाना हो। थैंक यू सो मच, इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ रहिए और शो फॉलो करिए। 6 अदद अंडे हैं, 1 कप चीनी है, 1 कप मैदा है, वेनिला एसेंस और नमक है, कोको पाउडर है। इससे हम ये चॉकलेट केक बना के अवन में रख देंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, मिल्क और ये चॉकलेट स्प्रेड है, ठीक है, कोई भी यूज़ कर लीजिएगा। चॉकलेट स्प्रेड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। फिर ये सोक होगा, उसके बाद उसके ऊपर जो क्रीम जाएगा उसमें है चॉकलेट क्रीम और आइसिंग शुगर थोड़ी सी। सो इसी तरह आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मैं करा चुकी हूँ, प्लेन वाला भी थ्री मिल्क केक करा चुकी हूँ। आज है तीनों चीज़ों में चॉकलेट। सो लेट्स स्टार्ट। अंडे हैं मेरे पास, वो हम डाल देते हैं। इसमें कोई तेल नहीं है, कोई इसमें मक्खन नहीं है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। फैटलेस होता है स्पंज ये। अच्छी तरह हम अंडों को बीट करते हैं, फिर चीनी डालेंगे, कोको पाउडर जाएगा, मैदा जाएगा, इसमें फोल्ड करेंगे और फिर वेनिला एसेंस और नमक। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं मैदे के साथ ही, फिर नमक को यहाँ रख देते हैं। कोको पाउडर भी इसी में डाल देते हैं, एसेंस डाल देते हैं अभी। चीनी थोड़ी थोड़ी करके फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल से हम इसको ग्रीस करेंगे। थ्री मिल्क केक ऐसे डिशेस में ही करिएगा ताकि सोकिंग में आसानी रहे। अच्छी तरह बीट हो जाएगा। अंडे हैं, चीनी है, नमक है, वेनिला एसेंस है, मैदा है, कोको पाउडर है, ठीक है। ये सारे अज्जा एक पैन में जाएंगे, हल्का सा हम गरम करेंगे और ये भी सारे अज्जा एक पैन में जाएंगे, गनाश बनेगा ऊपर। डार्क कुकिंग चॉकलेट है, थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालिएगा,
ज़्यादा नहीं डालिएगा, मिल्क चॉकलेट हो तो नहीं डालिएगा। अच्छी तरह ज़रा ये बीट हो जाए, फिर इसमें हम मैदा, कोको पाउडर, नमक डालेंगे। हाथ से फोल्ड करके बेक करने रख देंगे। बेक होके निकलेगा, स्कूअर डाल के हम होल्स कर देंगे और ये पूरे लिक्विड इसमें डाल देंगे। तो मैं लिक्विड को तब तक मिक्स कर लूँ, मैं एक पैन में कर लेती हूँ, वो आसानी रहेगी। ये है इवेपोरेटेड मिल्क का टिन, ये है दूध, फिर ये है कंडेंस मिल्क, और वो है चॉकलेट स्प्रेड। हल्का सा गरम करके फिर उसको ठंडा करके डालेंगे, ठीक है। गरम इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये जो चॉकलेट स्प्रेड है। और उसके लिए चॉकलेट लेंगे चॉप की हुई, इसमें हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे क्रीम। ठीक है, चॉकलेट, आइसिंग शुगर, क्रीम, इसमें इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, दूध और चॉकलेट स्प्रेड, इसमें अंडे, चीनी, नमक, वेनिला एसेंस, मैदा, कोको पाउडर अभी जाएगा। अब आपने देखा, ये अच्छी तरह इस तरह पूरा मिक्स हो जाए, फिर आप इसको निकालेंगे और यूजिंग योर इसके ऊपर हम इसको स्प्रिंकल, लिटरली स्प्रिंकल टाइप करेंगे ऐसे, और हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है, जब तक ये पूरा अंदर फोल्ड नहीं हो जाता है। याद रखिएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा मैदा और कोको पाउडर। इसी तरह लाइट हाथ से करिएगा, सब कुछ मिक्स हो जाए, फिर आप उसको अवन में फौरन रख लीजिएगा बेक होने के लिए। कोई इसमें तेल नहीं है, मक्खन नहीं है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है। ये प्लीज़ बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। सोकिंग लिक्विड में भी चॉकलेट है, यानी कि चॉकलेट स्प्रेड, और इसमें तो ऑब्वियसली ऊपर टॉपिंग के चॉकलेट है, इसमें कोको है। अच्छी तरह मिक्स करना लाजमी है। ठीक है जी, समझ आया। 6 अदद अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, आधा कप कोको पाउडर डाला मैंने, और फिर मिक्सिंग लिक्विड में 1 कप दूध है, आधा कप कंडेंस मिल्क है, एक पूरा टिन मैंने इवेपोरेटेड मिल्क का डाला है, और 1/3 कप जितना चॉकलेट स्प्रेड है। मैदा नीचे देखें, ये अभी भी अंदर नीचे मैदा है। अब इसको उठा के हम यहां डाल देते हैं, इसको हम बेक कर देते हैं और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, और हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, मैं यहाँ सॉसेजेस चॉप कर रही हूँ, थोड़े से हम डेकोरेशन के लिए रख देंगे। दूसरे सॉसेजेस हम क्या करेंगे कि हम एक चॉपर में डाल देंगे, ठीक है, उसका हमें कीमा बनाना है, लिटरली कीमा, चॉप नहीं करिएगा, ओके, तो कीमा बनाइएगा। और इसी के साथ मुझे पार्सली का भी मिंस कर देना है, धनिया नहीं डालिएगा प्लीज़। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो गई थी, केक अवन में जा चुका है, ये गनेश देखें ये रेडी हो गई है, इसको मुझे ठंडा करना है तो मैं इसको पीछे रख देती हूँ, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है जी, गनेश को फ्रिज में बेशक रख दीजिए,
ओह माय गॉड, और हम इसको उठा के, ये पूरा सोकिंग लिक्विड है फिलहाल, इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ ताकि जगह हो जाए. ओके, और क्या करेंगे, सॉसेजेस को लेंगे और पार्सली. ये पार्सली है, प्लीज़ पार्सली इस्तेमाल करिएगा, इससे बहुत अच्छा एक अच्छा सा टेस्ट आता है. थोड़ी सी मैं अलग रख दूँ फॉर डेकोरेशन, अदर आई विल पुट इन. ये पार्सली आपने डाल दी, अच्छी तरह धो के डालिएगा. और ये सॉसेजेस भी सारे, ठीक है, इसको हमें चिकन में फिल करना है. सारे आ गए, एंड्स भी मैं एंड्स में रख देती हूँ. ये ले लेते हैं गार्निश के लिए. चलिए, नाउ व्हाट डू वी डू, वी जस्ट पुट दिस ऑल इन आवर फूड प्रोसेसर. और स्मोकी फ्लेवर चाहिए हमें, सही है, ठीक है. अब हम इसको निकालते हैं. चीज़ जो है ना वो आपको ग्रेट नहीं करना है, चीज़ आपको टुकड़ों में काटना है ताकि वो चिकन के साथ, ये देखें यहाँ रखते हैं चिकन को, फ्लैट चिकन के पीसेस हैं उसको आप रखें. फिर आप इसके अंदर एक स्टिक इस तरह की चीज़ की रखिए, ठीक है. और जो मैंने यहाँ अभी पीस दिया है सॉसेजेस और पार्सली, वो आप एक चम्मच जितना थोड़ा सा इतना इस तरह का, बस हमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट चाहिए, नॉट अ लॉट ऑफ इट. और देन आपको इसको रोल करना है, रोल करके आपको इसको टूथपिक से सिक्योर करना है, ठीक है. छोटे छोटे रोल बनेंगे. चीज़ है और ये मिंस किया हुआ चीज़, मैं ऐसे रख देती हूँ. मिंस किया हुआ ये कीमा और ये सॉसेजेस, कीमा नहीं सॉसेजेस हैं और पार्सली है. आपको इसको ऐसे करके रोल करना है और टूथपिक से इसको सिक्योर करना है. ठीक है, इस तरह हम बनाते जाएंगे. मैं यहाँ रख लूँ, मेरे लिए आसान रहे. इनको आपको फ्रीज करना है, वी डोंट हैव टाइम सो वी कांट फ्रीज इट राइट नाउ. और ये एक चम्मच भर के, ठीक है. आपने इसको रोल करना है, थोड़ा सा निकल आता है बाहर, लेकिन जस्ट बी केयरफुल, नीटली इसको आप रोल कर दीजिए. रोल करके टूथपिक से सिक्योर कर दीजिए. फिर अंडे के साथ हम बैटर बनाएंगे, अंडे मैदा वगैरह. और इसको हम देखें, यहाँ से खुला हुआ है ना, इसको बंद करने की कोशिश करिए. व्हाइट सॉस बनाएंगे जिसमें मशरूम्स डालेंगे. इनको आप बना के फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए, फिर इनको आपको डीप फ्राई करना है. जितना हो सके बंद कर दीजिए, इसको सिक्योर कर दीजिए ऐसे टूथपिक से, ठीक है. ये भी हो गया. दो सॉसेजेस भी काफी थे. अलाकीव बनाते हैं ना, चिकन अलाकीव, उसमें मक्खन डालते हैं ना, इसमें ये है चीज है. और ये इनकी अपनी स्पेशलिटी एक होती थी एक जमाने में. मेरे फर्स्ट बर्थडे से लेकर बहुत सारे मेरे फंक्शंस, मेरे बच्चों के फंक्शंस मेट्रोपोल में हुए थे. बहुत खाना हम मिस करते हैं उसका. दूसरे भी हैं हमारे, अवारी टावर्स भी हैं, बीच लग्जरी भी है, लेकिन एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन
अच्छा सा डिफरेंट सा कुछ ना, ये उनकी स्पेशलिटी होती थी। इन रोल्स को आपने फ्राई करना है, ओके, चिकन कच्चा ना रहे, और अंदर जो भी कुछ आप डाल रहे हैं, अगर सॉसेजेस नहीं पसंद, नहीं खाते हैं, नहीं खरीदते हैं, कीमा भर रहे हैं, तो वो कच्चा नहीं हो, वो पका हुआ हो। कीमे को फिर दम दे दीजिएगा ताकि स्मोकी सा टेस्ट आए। कॉलर्स कहाँ हैं आज? कॉलर्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। डीप फ्राई इसको हमें करना है, वो हम करते हैं, और आपके साथ आके पहले हम डीप फ्राई करेंगे, फिर हम इसका सॉस बनाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। तीन अदद अंडे मैंने यहाँ बीट कर दिए हैं, उसमें हमने एक से दो चम्मच भर के मैदा शामिल करना है, ठीक है, एंड देन उसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, पानी डालना चाहे पानी डाल दीजिए, और इसका एक बैटर सा बना देते हैं, और इसमें हम ये चिकन को डिप करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू एड वाटर यू कैन एड लिटिल बिट ऑफ वाटर ऑल्सो, ठीक है। इसको डिप करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई कर दीजिएगा। मैंने फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल यहाँ डाल के इसको गर्म करने रख दिया था ताकि टाइम ज़रा बच जाए, और उसके बाद डीप फ्राई कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, और फिर दोबारा डीप फ्राई करिएगा अगर आपको डबल करना है, डबल फ्राई करना है। तो थोड़ा सा इसमें आप पानी शामिल करिए टू मेक इट नाइस एंड लाइट। मैदे की गुठलियां ना बने इसलिए मैंने इसको विस्क का इस्तेमाल किया है। अब आप इसको लीजिए, दिस कैन बी वेरी मैसी, ओके, इसको ऐसे करके रोल करिए और आप इसको डीप फ्राई कर दीजिए। इसको डाल के ना छोड़ दीजिएगा, इसको हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं, जितना हो सके टूथपिक से अच्छी तरह बंद करिएगा कि खुले ना ये। चिकन कच्ची नहीं रहे, ओके, बिकॉज हम इसको किसी भी और चीज़ में नहीं पकाएंगे, इसी तरह इसी में पकेगा। वाइट सॉस बनाती हूँ अब मैं, मैदे के साथ, मक्खन के साथ, दूध के साथ, उसमें मशरूम्स डालेंगे। सो, यहाँ मेरे पास मक्खन है, मक्खन चला गया, थोड़ा सा पिघल जाएगा, तो इसमें फिर हम डालेंगे मैदा, लहसुन है, मैदा है, नमक है, काली मिर्चें हैं, दूध है, चीज़ है, और मशरूम्स हैं। कॉलर है? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। नहीं, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए, आपकी लाइन कट जाएगी, मेरी आवाज मुझे खुद ही आ रही है। जी मैंने स्लो कर दिया, कम कर दिया। म्यूट कर दीजिए, म्यूट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आप इसमें मैदा शामिल करेंगे। कॉलर हैं कि चली गई? नमक जाएगा इसमें, देखा लाइन कट जाती है ना, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जब भी कॉल करें म्यूट कर दिया करें, ठीक है। और आपने इसको दोबारा चूल्हे पर रख दिया, मैदा, मक्खन, नमक, काली मिर्चें, लहसुन, ओके, एंड देन यू ऐड योर मिल्क, चीज़, और थोड़ा सा क्रीम बाद में। हल्की आंच पे मैदे को भून लीजिए और फिर इसमें आप दूध शामिल कर दीजिए। पहले थोड़ा सा डालिए, मिक्स करिए, इसको भी देखना है, ओके, मुझे याद दिलाइए। ओह केक, किसी ने नहीं याद दिलाया ना मुझे, केक, केक हमारा हो चुका है, ये देखें। अब इसको मुझे निकाल के यहाँ कहीं रखना पड़ेगा, या आई थिंक मैं वहाँ ले आती हूँ, बिकॉज़ मुझे इसको पोक भी करना है ना।
दो तीन चीज़ें साथ चल रही होती हैं, इसको हटाते हैं वरना ये जल जाएगा। ये देखो आपका केक हो गया। अब मैं इसको 5 मिनट बाद देखती हूँ। जस्ट वॉन्ट टू टर्न दीज एंड फिनिश दिस। कॉलर हैं जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जरनत कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपके सामने, फरमाइए। आपके शो की तारीफ करनी थी, आज हमारी केबल नहीं आ रही, अभी आई है, तो आप क्या बना रही हैं? अच्छा, रात में 12 बजे और कल सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, देख लीजिएगा। मैं बना रही हूँ चिकन की एक मज़ेदार सी डिश और चॉकलेट 3 मिल्क केक। ओके, ठीक है, देखिए। कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसको ना मैं आँच हल्की कर देती हूँ ताकि ये कच्चा ना रहे अंदर से, हर तरफ से पक जाए। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसको आपने गरम गरम केक को ही हर जगह पोक पोक करते जाइए करते जाइए, अच्छे से इस तरह होल्स बन जाएंगे ना, तो जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाएगा। केक को ठंडा होने के लिए इंतज़ार नहीं करिएगा, वार्म केक को ही आपने वो लिक्विड पूरा डाल देना है। जिसमें चॉकलेट स्प्रेड था और इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, दूध। थोड़ा अब्सॉर्ब होने देते हैं फिर डालते हैं दूसरा। अच्छा, जब ये हो जाए, एक उबाल आ जाए वाइट सॉस में, तो आप इसमें मशरूम्स डाल दीजिएगा। नहीं खाते हैं नहीं डालिएगा, नहीं पसंद हो तो नहीं डालिए। सब कुछ हो गया हमारा, हाँ, चीज़ जाएगा। इसको हम बेक वेक नहीं करेंगे, हाँ, इसको चीज़, ग्रेटेड चीज़ को आप डाल दीजिए अंदर पूरा, ताकि चीज़ इसी में जाके अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और क्रीम है, आलू जो हैं वो डिश के बिल्कुल साइड में जाएंगे, पाइप होंगे आलू, तो जो है नमक, काली मिर्चें, क्रीम, थोड़ा सा दूध और ये मक्खन, वो सब मैं आलू में डाल के पाइप कर दूंगी। जहाँ जहाँ से नहीं हुआ है वो टर्न करिए। इसको आप बना के ऐसे रोल्स बना के फ्रीज़र में रख देंगे ना, फिर इसको डिप करके फ्राई करेंगे तो बेहतरीन बनेगा। साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं हमारे शो पे, तो देखें ये काफ़ी सारा अब्सॉर्ब हो गया है ना। अब इस तरफ से नहीं हो मैंने डाला है तो हम वहाँ डाल देते हैं। इस तरह पोक कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह हर जगह जाए। केक शुड बी सॉफ्ट, केक ये पूरा लिक्विड जज्ब करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। अच्छा जी, हमारा व्हाइट सॉस भी हो गया, थिक सा व्हाइट सॉस आपने बनाना है, बहुत पतला नहीं, तो इसको होने दीजिएगा। व्हाइट मशरूम सॉस है, ठंडा होगा तो आप इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छा, नाउ फॉर द पोटैटोज, आलू के लिए, ये आलू हैं, उसमें आप डालेंगे, पहले मैं ज़रा ये हटा लूँ चीज़ें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अच्छा, एक मिनट मैं ज़रा मैशअप कर दूँ इसको, प्लीज़। देखें, ये आपने इसमें नमक डाला, कुटी हुई काली मिर्चें डाली, 3 बड़े आलू थे, ठीक है, और मक्खन डालिए और दूध या क्रीम डाल दीजिए और इसको मैश करके अच्छी तरह मैं रख दूंगी, फिर आप आएंगे तो हम देखें किस तरह इसको असेंबल करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखें, यहाँ आपने अच्छी तरह गाढ़ा कर दिया मशरूम सॉस को, उसमें फिर आप डालेंगे ये क्रीम, ठीक है, और
चीज़ भी है इसमें, क्रीम भी है, मशरूम्स भी हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। ट्राई आपने करना है ज़रूर, और ट्राई करके फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अरसे से बहुत सारे लोग ये रेसिपी मांग रहे थे। अच्छा, अब हमें पता है क्या करना है, हमने इसको रखना है डिश में, उसके साइडों पे हमने ये आलू को, मैश आलू को हमने पाइप करना है, और ये जो रोल्स फ्राई किए हैं ना वो बीच में जाएंगे। अच्छा, ये जो आपके सामने हमने थ्री मिल्क केक का लिक्विड डाल दिया था, दिस इज़ ऑल डन और मोस्ट ऑफ इट इज़ अब्सॉर्ब्ड इनसाइड। यहाँ से थोड़ा बाकी रहता है, आप लोग इसको टाइम दीजिएगा। ये वो गनाश है, ये भी जाएगी ऊपर से। जस्ट वॉन्ट कि ये हो जाए पहले, ये कच्चा ना रहे, बहुत उड़ रहा है। वो डिश में मैं डाल देती हूँ यहाँ लाके। ये देखें, ये क्रीमी सा मज़ेदार सा मशरूम वाला वाइट सॉस क्रीम के साथ, चीज़ के साथ रेडी। अब हम, मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ कैसे डालेंगे हम इसको। अच्छा, प्लीज़ टूथपिक्स को निकालना भूलिएगा नहीं, ठीक है, टूथपिक्स के साथ नहीं, टूथपिक्स निकाल दीजिएगा ये, वरना मुंह में किसी के लग जाएंगे। फिर आप इन रोल्स को ऐसे रखिएगा बीच में, टूथपिक्स निकालना बहुत ज़रूरी है, नोबडी शुड गेट इंजर्ड। ओके, निकाल दी, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और इसको हम होने देते हैं, ये बहुत बड़ा मोटा ताज़ा पीस था, इसको टाइम लगेगा। टूथपिक आउट, टूथपिक आउट एंड वन मोर टूथपिक आउट, ठीक है। अब इसमें से देखें चीज़ कैसे पिघल पिघल के बाहर निकल रहा है। अब आपने एक्चुअली जगह कहाँ से मैं करूँ आज, ये आपने आलू लिया, पाइपिंग बैग में भरा, ठीक है, पाइप कर दीजिए आलू को ऊपर इस तरह, साइडों पे जिस तरह भी, जो भी आपको करना है व्हाटएवर, और भरिए इसमें मशरूम सॉसेजेस हैं मेरे पास, पार्सली है और ऑलिव्स हैं, उसके साथ हम सजाएंगे इसको। मगर मैश पोटैटो ऐसे ही साइड में जाता था, बीच में ये वाइट क्रीमी सा मशरूम सॉस होता था। तेज आंच नहीं रखिएगा, चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, यू डोंट वांट दैट, ठीक है। आलू को बहुत अच्छा बॉईल करके मैश करिएगा, ज़रा भी इसमें गुठलियाँ होंगी तो पाइपिंग बैग में फंस जाएगा। बस मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा भर देते हैं, और हमारे पास वक्त है, ब्रेक है, है ना। ज़ाया क्यों करें ना इसको, इस तरह पाइप करेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे आलू हर टाइम मैश करके साइड में नहीं रख दिया करें। बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डिश, लेकिन ये इनकी प्रेजेंटेशन होती थी। अभी ऑलिव्स वगैरह भी डालते हैं।
हो गया हर जगह। चलो डन, अब यहाँ ले आती हूँ ताकि मुझे भी ज़रा आसानी रहे। गॉट द सॉसेजेस हियर। और ओके, काले और हरे जैतून, ये जो चिकन रोल्स हैं उनको पूरा अंदर सोक होना चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा। सो वी ऐड हियर वन, ऐड हियर वन, और इस तरह आप रख दीजिए। ये भी हमारा हो गया। और कुछ है? यस, पार्सली शुड गो हियर एंड देयर। और क्या था? बस, दैट्स इट, वी आर डन। चलिए जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, आके ज़रा क्लीन अप करके मैं भी हाथ धो लूँ, उसके बाद फिर हम ये गणेश इसके ऊपर लगा देंगे अपने चॉकलेट 3 मिल्क केक पे। सो स्टे ट्यून्ड। चिकन मेट्रोपोल, अच्छा, चिकन ब्रेस्ट फिले आधा किलो, चीज़ ब्लॉक कट स्ट्रिप्स आधा कप, चिकन सॉसेजेस कुचले 4 अदद, अंडे 4 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, पार्सले बारीक कटी 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, आलूओं के लिए उबले और मैश्ड आलू 3 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, दूध 1 खाने का चमचा, सॉस के लिए मशरूम चॉप्ड 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक और काली मिर्च हसबे ज़रूरत, कद्दूकस चीज़ 1 कप, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, जैतून गार्निशिंग के लिए। तरकीब, चपटे किए हुए चिकन ब्रेस्ट पर चीज़ की मोटी लेयर लगाएं, फिर चिकन सॉसेजेस कुचलकर 1 चुटकी पार्सले डालें और एहतियात से फोल्ड करके टूथपिक लगा दें। अब इन्हें मैदे में लपेटें और 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर निकाल कर अंडे, पानी, दूध और मैदे के बैटर में अच्छी तरह डिप करें। अब इन्हें गर्म तेल में 3 से 5 मिनट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। फिर इन्हें एक प्लेट पर निकालें और 3 से 5 मिनट के बाद दोबारा फ्राई करें। सॉस के लिए दरमियानी आंच पर मक्खन गर्म करें और मैदा डालकर पकाएं। फिर इसमें मशरूम, नमक, काली मिर्च और चॉप्ड लहसुन मिलाकर दूध शामिल करें और चमचा चलाते रहें जब तक सॉस गाढ़ी ना हो जाए। फिर इसमें चीज़ और क्रीम शामिल करके आखिर में बारीक कटे पार्सले डाल दें। आलूओं के लिए उबले आलूओं को मक्खन, नमक, क्रीम और दूध के साथ मैश कर लें और पाइपिंग बैग में भर दें। अब रेक्टेंगल डिश में तली हुई चिकन के टुकड़े रखें और आहिस्ता आहिस्ता इस पर वाइट सॉस डालें। अब किनारों को मैश्ड आलूओं के साथ पाइप करें, आखिर में चॉप्ड पार्सले और जैतून से गार्निश कर दें। चॉकलेट 3 मिल्क केक, अज्जा, अंडे 6 अदद, चीनी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, एवेपोरेटेड मिल्क 1 कप, चॉकलेट स्प्रेड 1/3 कप, क्रीम 3 कप, आइसिंग शुगर आधा कप, डार्क चॉकलेट 10 ounces। तरकीब, अंडों में चीनी, नमक और वनीला एसेंस डालकर फेंट लें। अब मैदा और कोको पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए अलाइन टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें और ठंडा करके एक तरफ रख दें। अब सॉस पैन में दूध, कंडेंस्ड मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क और चॉकलेट स्प्रेड को गर्म करके ठंडा कर लें। उसके बाद अलग पैन में क्रीम के साथ चॉकलेट पिघला लें और आइसिंग शुगर शामिल कर दें। इस्तेमाल से पहले इसे ठंडा कर लें। अब केक को सर्विंग प्लेटर में रखें और टूथपिक से सुराख बनाकर दूध का मिक्सचर ऊपर से डालें। आखिर में चॉकलेट क्रीम से केक को कवर करके 30 मिनट फ्रिज में रख दें। वेलकम
फैक्ट अब देखें पूरा लिक्विड जज्ब हो गया है, देखा आपने पूरा, इट हैज टू गो इन, इट विल गो इन। लेकिन गरम गरम केक को ही पोक करके आप सारा कुछ डाल दीजिएगा। अब ये जो गनेश हमने बनाई थी वो ऐसे ही मैंने पाइपिंग बैग में भर दी है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको नहीं भरनी है नहीं भरिएगा, बस इट हैज टू जस्ट गो ऑन टॉप। सो वाय ओ वाय, ये जब होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि अंदर पीसेस ऑफ चॉकलेट फंस जाते हैं। ओके, बड़ा सा काट देते हैं इसको, देखें ये चॉकलेट का टुकड़ा निकला। सीरियसली गाइज, व्हाट इज इट? ये आपका चॉकलेट 3 मिल्क केक रेडी। ठीक है जनाब, रेडी टू एंजॉय। आज की दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। आई वॉन्ट टू थैंक सायरा बारिया फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी ऑन अ पेज, वहाँ से मैंने उनसे ली थी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच सायरा, एंड आई होप यू एन्जॉय दिस, जैसे मुझे भी मज़ा आया। एक चीज़ कहने का ये है मेरा मकसद कि जो रोल्स हैं ना, आपको रोल्स बना के फ्रीज़र में रखने हैं, ठीक है? जब भी अच्छे से फ्रीज़र में हो जाएंगे ठंडे और हर तरफ से आपने टूथपिक डाली होगी, तो फिर जब आप मैदे के बैटर में डाल के उसको फ्राई करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। और हल्की आँच पर करिएगा, चिकन अंदर से कच्चा ना रह जाए। और बिल्कुल याद रखिएगा, टूथपिक को निकालना ज़रूरी है। सारे रोल्स ऐसे ही रख दीजिएगा, ऊपर से मैश पोटैटो पाइप कर दीजिएगा, वाइट सॉस जो है वो थिक एंड क्रीमी बनाइएगा चीज़ के साथ, क्रीम के साथ, और इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। आजकल बहुत अच्छा लोकल भी हमें चीज़ मिल रहा है इंस्टा के पेजेस वगैरह पे। सो रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। फिर से जुमा मंडे टू फ्राइडे आपके साथ मैं लाइव हूँ 3:30 से 4:30, और रात में 12 बजे रिपीट होता है शो, और रात में सुबह में 9:30 बजे शो रिपीट होता है, ठीक है? सारी रेसिपीज़ अप टू डेट है, थैंक्स टू माई हार्ड वर्किंग टीम, झटपट फट सारी रेसिपीज़ आ जाती हैं हमारे पेज पे, और वहाँ से देख लीजिएगा फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से जो हमारा मसाला टीवी का पेज है, वहाँ 5 लाख मेंबर्स हैं, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटोज सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपने नहीं देखा होगा हमारा मसाला का मैगज़ीन, तो ये इस दफ़ा मेरी रेसिपीज़ आई हुई हैं ऑन द कवर पेज, मौका मूस है, और ये है जो मैंने किशमिश के साथ वो फ्रेंच नहीं बनाया था ब्रेड, याद है आपको? नाम बड़ा मुश्किल सा था, पैन और रेजिन, वो वाला, ठीक है? इसी तरह आप देखिए सारी रेसिपीज़ हमारे सारे शेफ्स की इसमें हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, और ओ एक चीज़ तो दिखाएं ना ज़रा, हमारी जो सेलिब्रेशन हुई थी मसाला की एनिवर्सरी की, उसकी भी तस्वीर हैं। सो अगर आपने मिस कर दिया हो तो गेट योर बुक, योर कितने का है, 160 रुपये का ये मैगज़ीन है, ज़रूर लीजिएगा, खरीदिएगा, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।